अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच का पार्ट नंबर 16 आपकी खिदमत में हाजिर कर दिया गया है। डियर स्टूडेंट, इस चैनल पे आपको 100% रिटन टेस्ट की तैयारी कराई जाएगी। डियर स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है। ये एमसीक्यूज 5 ईयर पास्ट पेपर में से लिए गए हैं। अगर आप रोज़ की बुनियाद पे एक वीडियो भी तैयार करें तो इंशाल्लाह आप फाइनल तक 100% कामयाब हो जाएंगे। बाकी पार्ट इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक में मिल जाएंगे। शुक्रिया। अबुल हकम इज़ द टाइटल ऑफ, तो अबुल हकम किसका लकब था? तो अबुल हकम जो है अबू जहल का लकब था। किंग ऑफ डैश टोर अवे द मैसेज ऑफ प्रॉफिट, तो बादशाह डैश ने पैगंबर का पैगाम फाड़ दिया। ईरान के बादशाह ने पैगंबर का पैगाम फाड़ा था। लैक्टोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मिल्क को मेजर किया जाता है लैक्टोमीटर से। आग बुझाने वाले आलात में दर्जा ज़ैल में से कौन सा इस्तेमाल होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम आग बुझाने वाले आलात में यूज़ करते हैं। वेयर हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO लोकेटेड, न्यूयॉर्क इसका करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, तो 2611 किलोमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फ्रॉम वेयर डिड इलामा इकबाल ऑब्टेंड हिज डिग्री इन PhD, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जर्मनी। नेम द फर्स्ट वेयरिंग हिजाब US जज हु टुक ओथ ऑन कुरान, तो नादिया खैफ इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नीमार इज़ अ फुटबॉल प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री, तो नीमार किस मुल्क का फुटबॉल प्लेयर था? तो ब्राज़ील इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बहावलपुर एक साबका शाही रियासत पाकिस्तान में शामिल हो गई थी, किस डेट में? 5 अक्टूबर 1947 इसका करेक्ट ऑप्शन है। PM इमरान खान डिलीवर्ड ए हिस्टोरिकल स्पीच इन UN असम्बली ऑन 27 सितंबर को स्पीच की थी इमरान खान ने। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो COVID-19 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अभिनंदन वर्तमान अरेस्टेड बाय पाकिस्तान आर्मी वॉज एज अ विंग कमांडर, उसको अरेस्ट किया गया था। द करंट प्रेजिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक का मौजूदा सदर कौन है? अजय बंगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हैड 10 पैटर्नल अंकल्स एंड डैश पैटर्नल आंट्स, तो 6 इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो 6 फूफियाँ थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। द बैटल ऑफ बदर वॉज फॉट ऑन रमज़ान 27 AH अकॉर्डिंगली इन, तो 624 AD इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हज़रत आयशा रिमेंड अलाइव डैश ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो 46 ईयर इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। वर्बल मीनिंग ऑफ हज इज डैश, तो हज के लफ्जी मायने क्या हैं? द विल टू विजिट। द इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट ऑन 2021, तो 8 मार्च को वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया गया था। गवादर रिमेन अंडर उमान रूल्स अंडर डैश ईयर, तो 174 ईयर्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेक्रीफाइज हाउ मेनी कैमल्स एट द ओकेजन ऑफ हज, तो 63 कैमल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अभिनंदन वॉज ए फाइटर पायलट ऑफ डैश, तो वो किसका फाइटर पायलट था? तो इंडिया एयरफोर्स का ये फाइटर पायलट था। विच वाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वॉज अलाइव एट द टाइम ऑफ करबला ट्रेजेडी, हजरत उम्मे सलमा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। विच इज द शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, स्टेप्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हजरत खालिद बिन वलीद डाइड इन, तो हजरत खालिद बिन वलीद कब वफात पा गए थे? 642 AD इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। द यूनाइटेड किंगडम UK लेफ्ट यूरोपियन यूनियन ऑन डैश, तो 31 जनवरी 2020 में लेफ्ट कर दिया था।
व्हाट वॉज द नेम ऑफ इमाम बुखारी? तो इमाम बुखारी का नाम क्या था? मोहम्मद बिन इस्माइल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हाउ मैनी रकूज आर देयर इन द होली कुरान डैश? तो कुरान पाक में कितने रकूज हैं? 540 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हाउ मैनी मक्की एंड मदनी सूराज इन होली कुरान? तो कुरान पाक में कितने बाब हैं? तो 114 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड कुरान? तो लफ्ज कुरान का क्या मतलब है? तो फ्रीक्वेंटली रिसाइटेड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।